हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने CAPF 2019 का जो पेपर है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। ये बी सेट है और इसकी आंसर की सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लाभ हानि से पूछा गया है और इसका आंसर होगा सी। पहले का आंसर सी होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा। थर्ड क्वेश्चन है जो ये भी मैथ से रिलेटेड है और इसका आंसर बी बी होगा। 15 आंसर है इसका, 15। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको कुछ आंसर क्यों में इसे डिलीट बताया गया है, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। इसमें पूछा गया है कि जो दो संख्याएं जिनमें जो चेंजेज होता है वो नंबर चेंज करने पर जो चेंजेज होता है वो 27 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 7 संख्याएं होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 3 है, तो 3 है उसका उल्टा करने पर 30 आता है, तो ऐसे में इनका डिफरेंस 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से 96 और 69, तो इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर बी होगा, 249। पांचवें का आंसर 2 होगा। छठे का आंसर सी होगा। सातवें का आंसर ए होगा। जो नौ आठवां क्वेश्चन है उसका आंसर भी ए होगा। जो दसवां क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन सॉरी नौवां क्वेश्चन है इसका आंसर भी ए होगा। जो 10th क्वेश्चन है इसका आंसर डी होगा। जो 11th क्वेश्चन है ये भीतरी जो इनर प्लेनेट से पूछा गया है, इनर प्लेनेट होते हैं जो चार जो ग्रह हैं हमारे, उनको बोला गया है। जैसे कि सूर्य के बाद में जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, तो ये इसका आंसर बी होगा। फिर इसका आंसर बी होगा। 12th है इसका आंसर, 12th में जो लोयस है ये वायु निक्षेप होते हैं, टोबलो होते हैं ये समुद्र निक्षेप होते हैं, बहुत पॉइंट बार होते हैं ये नदी निक्षेप होते हैं, और ये इमोड होते हैं, हिमनीपेच होते हैं, मोरेन है। तो आंसर ए इज राइट आंसर। जो 13 क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। जो 14वां क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4, 2, 3 और 4 दिया हुआ है ये, तो इसमें क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है 3 का स्क्वायर, तो वो 7 आएगा। और ये 7 है जो ये साइड में 2 बचा हुआ है इससे गुणा कर दो, 7 से 2 गुणा 14 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो ये 3, 4, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करो और उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो वो 20 आ जाएगा। और वो 20 को जो शेष बचा हुआ 3 है उससे गुणा करने पर 60 आएगा। तो इसी प्रकार से जब हम करते हैं तो इसका आंसर 96 हो जाएगा और 15वें का आंसर 97 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। 17 क्वेश्चन है इसका आंसर डी होगा। 18 क्वेश्चन है वो उसका आंसर बी होगा। और जो 19 क्वेश्चन है इसका आंसर डी होगा। जो 20 क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। 21 क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। 22 क्वेश्चन है इसका आंसर ए होगा। और 23 क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। 24 क्वेश्चन है इसका आंसर ए होगा। 25 क्वेश्चन है इसका आंसर भी ए होगा। 26 क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। 27 क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। 28 क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। और जो 29 क्वेश्चन है इसका आंसर भी बी होगा। जो 13 क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। ये NCERT में दिया हुआ है सीधा सीधा, तो वहाँ से है। जो 13 क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है सॉरी उसका आंसर सी होगा। 32 है इसका आंसर 10 होगा। 33 है इसका आंसर ए होगा, धनात्मक। 34 है तो इसमें पूछा है कि प्राइस सीलिंग का उदाहरण, तो बेस्ट उदाहरण है जो बी होगा। और 35 है इसका ए होगा। 36 है इसका सी आंसर होगा। 37 है
37 है, इसका आंसर डी होगा। 38 है, इसका आंसर डी होगा। 39 है, जो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर बी होगा। 14 है, इसका आंसर ए होगा। 51 है, इसका आंसर डी होगा। 52 है, इसका आंसर भी बी होगा। 43 है, इसका आंसर डी होगा। 44 है, इसका आंसर सी होगा। जो 45 है, जो मैथ्स बेस्ड है, तो इसका आंसर सी होगा। और 46 है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था कि ट्रेन 18 किससे संबंधित है, तो वो वंदे भारत, इसका आंसर बी होगा। 47 है, इसका आंसर ए होगा, नहीं सॉरी सी आंसर होगा। 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम है, इसका जो बेस ईयर 2017 रखा गया है। और जो 48 है, इसका आंसर INS रणजीत है, इनको डिकमिश किया गया है। और जो 49 है, इनका इसका आंसर USA होगा, आलमी USA से हमने ये लिया है। और 15 है, जो जलवायु आपातकाल है वो UK के द्वारा घोषित की है। जो 51 है, वो भारत के मानवाधिकार से संबंधित पूछा गया है, इसका आंसर डी होगा। जो 52 है, इसका आंसर थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन इसका आंसर भी डी ही होगा। 53 है, इसका आंसर डी होगा, जो कि आपके 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 54 है, इसमें ये राज्य सूची, समर्थ सूची और संघ सूची संबंधित है, तो इसका भी आंसर बी होगा। 55 है, इसका आंसर ए होगा। 56 है, इसका आंसर कुछ आंसर क्यों ने ए दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हमेशा जल है जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। जो 57 है, इसका राइबोसोम होगा। जो 58 है, उसका आंसर सी होगा। 59 है, उसका आंसर डी होगा। और जो परागण 16 है, जो परागण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा परागण कोष से। 61 है, इसका आंसर सी होगा। आपकी जो 62 है, इसका आंसर बी होगा। 63 है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर ए होगा। 64 है, इसका आंसर है नहीं सही, तो ये 1.5 आंसर है, तो इसे हम ड्रॉप करेंगे। 65 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। 67 है, इसका आंसर 66 है, इसका आंसर बी होगा। जो 66 है, उसका आंसर बी होगा। 67 है, उसका आंसर तीन होगा, जो केवल तीन ऑप्शन है वो होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। और जो 68 है, उसका आंसर बी होगा, क्योंकि अगर लीप ईयर नहीं है तो कोई भी साल का जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में ये बदल जाता है, तो लीप ईयर नहीं है, ऐसे ही पूछा है। 69 का आंसर सी होगा और 17 का आंसर डी होगा। ये पार्ट वन है, इसका जो अगला पार्ट है वो अभी कुछ ही दिनों में हम डालेंगे। अभी